मुड़मा जत्रा एरा कालोन कर। आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरा दोस्त दुकान लगाने के लिए आ चुका है। यही है मैं पागल हूँ। ये हमारे भाई डोंडा उरुस में भी मिले हैं और डिजली लैंड में भी मिले और यहाँ भी मिल गए हैं। मिल गया जगह आपको? हाँ, मेरे दोस्त मिल गया है, सेटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्त को सब्सक्राइब करो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त को, ठीक है ना। और आओ मुड़मा मेला घूमने, झूला झूलाएंगे, चले दुनिया में चतरा देखे मुड़मा मेला रे। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आपके, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग राइडर्स में। मैं हूं अयान और मेरे साथ है मेरे पार्टनर शैंकी द कैमरामैन। दोस्तों अभी हम हैं जतरा मुड़मा मेला में और यहां पे दोस्तों मेला की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है और ये मेला दोस्तों 30 और 31 अक्टूबर को लगेगा और उस टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाखों की भीड़ में यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐतिहासिक मेला है और ये मेला हर साल लगता है दोस्तों। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है आदिवासियों लोग का पूजा स्थल और अभी यहाँ पे पूजा करने के लिए साफ़ सफाई की जा रही है और मेले के शुरू दिन ही दोस्तों यहाँ पे पूजा की जाएगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस जोर शोर से इस मेले की तैयारी की जा रही है। चलिए चलते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों ये ऐतिहासिक जतरा मुड़मा प्रार्थना सभा है दोस्तों और यहाँ भी जोरों शोर से तैयारी चल रही है इस मेला को लेकर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। बोलो, ये आप देख सकते हैं चोंगे ओंगे लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी जो है बच्चे भी इस मेले में गुम हो जाते हैं, इस वजह से भी इस यहाँ पे चोंगे और बॉक्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो बच्चे गुम होते हैं उनके गार्जियन को आगाह कर दिया जाए और उनको पता चले कि उनका। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ये मेला झारखंड का सबसे बड़ा मेला होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, चाहे वो बिजली झूला हो या वो डांसिंग झूला हो दोस्तों, हर तरह का यहाँ पे झूला लगाया जाता है। इंटरटेनमेंट की बात करें दोस्तों तो इस मेला में दोस्तों इंटरटेनमेंट की कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी मैं नज़र उठा के देख रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ मुझे झूले ही झूले दिख रहे हैं। अगर मौत के कुआं की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मौत के कुएं लगाए गए हैं और बिजली झूले भी दोस्तों चार चार लगाए गए हैं और दोस्तों ब्रेक डांस वगैरह भी यहाँ पे तीन चार लगाए गए हैं। तो कोई भी झूले दोस्तों यहाँ पे एक नहीं है, हर किसी का ज्यादा तादाद में यहाँ पे मेले के अरे कहना क्या चाहते हो। देख सकते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है, बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे झूले लगाए जा रहे हैं और जिस तेज़ी से लगाए जा रहे हैं मुझे लगता है कल तक ये बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। A few minutes late. तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ निसार के ने बताया कि यह जतरा मुड़मा मेला झारखंड का सबसे बड़ा मेला है, तो आइए इस कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी की जा रही है इस मेले में। तो आइए, मैं नहीं बताऊंगा, जानते यहाँ के लोकल निवासी से। तो अंकल जी बता सकते हैं ये मेला कब से लगने वाला है?
ये तो 30 तारीख शाम से लेकर के 30 तारीख शाम से लेकर के 31 तारीख तक ये मेला आदिवासियों का परंपरा मेला है जी। अच्छा, और ये बहुत सालों से लगता है हम लोगों की पैदाइश से पहले से जी। और क्या बताएं, और तो दोस्तों जैसा कि अंकल ने बताया कि ये आदिवासियों के संस्कृति और सभ्यता के ऊपर ये मेला लगाया जाता है, और ये बहुत ही पुराना मेला है दोस्तों, ये कम से कम 100 सालों से पहले से भी लगाया जाता है जी, है ना जी। सही बोल रहा हूँ मैं? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, मुझे लगता है लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई मौज मस्ती और इंटरटेनमेंट की बात। यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है 500 से भी ज़्यादा दुकानें लगाई गई हैं इस मेले के अंदर, और लगाने लग रही है ये दुकानें, तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इस मेले में किस तरह से दुकानें लगाई जा रही हैं। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस मुड़मा मेला में 500 से भी ज़्यादा दुकानें लगने वाली है दोस्तों। तो एक भाई साहब है जो दुकान लगा रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं ये जो मेला लगा है ये कब से लगेगा। ये लगेगा 30 तारीख से। 30 तारीख से? कितना दिन चलेगा ये मेला? कम से कम 1 हफ्ता तक चलता है जी, 2 दिन का रहता हमारा, 1 हफ्ता चलेगा। अच्छा, तो आप यहीं पर दुकान लगा रहे हैं? जी हाँ, वो हमारा दुकान हुआ। क्या चीज़ का दुकान लगा रहे हैं आप? रुमाल और तकिया खोली का। रुमाल और तकिया खुलेगा, हर साल आते हैं आप? जी हाँ हर साल। तो कैसा मतलब कैसा भीड़ होता है, आप हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उसको बताइए किस तरह का भीड़ होता है और किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे? सब बढ़िया लोग भी आते हैं, बहुत अच्छी भीड़ होती है, मतलब लाखों की भीड़ होती है। लाखों से पार भी होता है। लाखों से पार होता है इस मेले में दोस्तों, दूर दूर से लोग आते हैं दुकान लगाने के लिए। तो ये भाई साहब हमारे यूपी से आए हैं, तो किस चीज़ का दुकान लगाए आप? मैं प्लेट फाइबर की प्लेट का क्रॉकरी का आइटम लगाया हूँ सर। और आप कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए सर। लखनऊ से आए जी। तो इस मेले में आप हर साल आते हैं क्या? जी हर साल आते हैं, इस मेले का बहुत नाम सुना था इसलिए मैं आता हूँ। जब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं, जगह का भी दिए हमको लगवाने के लिए। अच्छा। और काम भी अच्छा होता है। हम लोग चोरी का माल लाए हैं भैया, एकदम ठीक है ना? चोरी का माल। दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से मेरा दोस्त बोल रहा है, चोरी का माल लाए हैं। और माल खरीद के लाते हैं, पब्लिक को बोलते हैं कि चोरी का माल है ताकि उन लोग सस्ता समझेंगे लेगी। अबे साले तुम्हें शर्म है कुछ? समझ रहे हैं ना दोस्तों आप किस तरह से भावनाओं को समझिए। तो आइए दोस्तों आगे आप लोगों को लेके चलते हैं, मुड़मा जतरा मेला को एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से दुकानें लग रही हैं, और अभी तैयारी चल रही है दुकान लगाने की। काफ़ी सारी दुकानें लग चुकी हैं और अभी बंद है, क्योंकि 30 और 31 को ये मेला लगेगा, तो उसी दिन दुकानें चालू होंगी। दोस्तों आइए एक दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं ये किस चीज़ का दुकान लगा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस चीज़ का दुकान लगा रहे हैं और इनका क्या नाम है। क्या नाम है हाजरा? जसमुद्दीन अंसारी नाम है। किस चीज़ का दुकान लगा रहे हैं आप? हम पानी का और खिलौना का। पानी का और खिलौना का लगा रहे हैं आप? हाँ। तो आप हर साल आते हैं? हाँ हर साल आते हैं, और 8 दिन से परेशान रहता है सब दुकानदार लोग। हाँ, लगाने से लेके उजराने में तो टाइम नहीं लगता है, नहीं लगाने में 8 दिन लगता है। अच्छा, और कैसा भीड़ रहता है मेला में बताइए? भीड़ रहता है, ऐसा भीड़ रहता है कि पैर देने का जगह नहीं रहता है, और पानी नहीं आता है नहीं तो धूल उड़ता है सबका नाक में, 50-50 ग्राम गर्दा घुस जाता है, और पानी आने से तो एक कादो हो जाता है। तो जो मेला का जो मैनेजमेंट है वो पानी नहीं पटवाता है रोड में? नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं, कितना कर सकता है बताइए ना, कितना पानी पटवाएगा? नहीं नहीं, इतना भीड़ रहता है पानी पिट कालीन बिछवा दे जिससे गर्दा नहीं उड़े, इतना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। गाना गा दीजिए। नहीं अभी
गादी जो ना डाल दे दादी टोपी का बेचती है वो कला को दाढ़ी टोपी से हम लोग का कला है ये कुड़ुक गना है जब हम लोग कहीं पर इज्तिमा या कुछ करते हैं ना या तकरीर होता है तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना तो वो लोग मुड़मा जत्रा एरा कालोन हिर करता है तो वो सुभान अल्लाह वो लोग का हिर कहता है हाँ कि कुड़ुक में है हाँ सब धर्म का लोग मिल के और बहुत दूर दूर से दुकानदार लोग आते हैं बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ यूपी का नहीं रहता है लेकिन आता है यहाँ जो पढ़ा लगता है ना वो पढ़ा पूरा ऑल ओवर इंडिया का पढ़ा यहाँ आता है पढ़ा वाला लोग मुड़मा जत्रा में हाँ सबसे झारखंड का ऐतिहासिक मेला मुड़मा जत्रा है मुड़मा मेला है तो दोस्तों ऐतिहासिक जत्रा मुड़मा मेला के एक दुकानदार थे जिनका नाम था जसमुद्दीन अंसारी और ये पानी और कोल्ड ड्रिंक खिलौने के दुकान लगाने वाले हैं तो देख सकते हैं आप सुन सकते हैं आप किस तरह से इन्होंने जत्रा मुड़मा मेला के लिए जानकारी दी हमें उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स। झारखंड के ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा मेला में मेरे साथ है सुदीप उराव और ये हमें मेले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आइए जानते हैं ये ऐतिहासिक मेला क्यों लगाया जाता है तो सुदीप भाई बताइए ये मेला क्यों लगाया जाता है जैसे कि मेला है इसको हम लोग मेला नहीं जत्रा बोलते हैं पहली बार अच्छा इसको मेला नहीं जत्रा बोलते हैं जत्रा ही है जी। अब ये अंबरस में चला गया तो जत्रा मेला का स्वरूप ले लिया लेकिन जत्रा ही हम लोग बोलते हैं अच्छा और जत्रा ही है जैसे कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये कुछ लिखित नहीं है अभी तक ये आदिकाल से लगते आ रहा है परंपरागत तरीके से लगते आ रहा है इसमें है कि इसीलिए लगता है जत्रा हमारा यहाँ पे यहाँ उराव और मुंडा समाज के लोगों का मिलन स्थल है अच्छा उराव और मुंडा समाज के लोगों का ये मिलन स्थल है दोस्तों इस वजह से इस मेला को लगाया जाता है और ये कई वर्षों से लगाया जा रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं जी 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 इसमें कुछ लिखित प्रमाण नहीं है कि कितने दिन से लग रहा है लेकिन वर्षों से लगते आ रहे हैं अब कितना समय हो गया तो लिखित है ही नहीं बस लगते आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी लगाई जा रही है तो वो दुकान तो मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं दुकानदार आपका करीब करीब पूरे झारखंड से ही आ जाते हैं दुकानदार तो झारखंड से आते हैं बट परंतु यहाँ बात ऐसा है कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ के वो झारखंड तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं आपका असम बंगाल भूटान नेपाल सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा एकदम सभी जगह से एकदम लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो हमारे संजीव भाई ने जैसा कि बताया दोस्तों यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और दुकानदार भी अपना दुकान लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं जैसा कि अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए थे हजारीबाग झारखंड के ऑल ओवर स्टेट से लोग आए थे और देश के भी ऑल ओवर स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मेला लगाया जाता है दोस्तों और ये साल में सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है दोस्तों तो भूलिएगा नहीं दोस्तों 30 और 31 अक्टूबर को ये मेला लगने वाला है जिसका नाम है ऐतिहासिक जत्रा मुड़मा मेला तो इस मेले में ज़रूर आए दोस्तों और अपने फैमिली को भी लेके आएँ और लुत्फ़ उठाए दोस्तों इस मेले का तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जोहार झारखंड।